दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति आपको सफेद ओवरकोट में दिखता है तो आप उसको प्रोफेशनली क्या मान सकते हैं? कोई डॉक्टर, कोई लैब टेक्नीशियन या फिर पायलट। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के गले में एक स्टेथोस्कोप यानी कि आला लटका हुआ है तो फिर कोई गुरेज नहीं है कि वो डॉक्टर ही है। ऐसे में डॉक्टरों की ऐसी पहचान गढ़ने वाला यंत्र बना कैसे? इसके पीछे बड़ी ही रोचक कहानी है। 1800 शताब्दी के दौरान जब कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को देखता था और उसकी हृदय ध्वनि यानी कि हार्ट बीट को सुनना होता था तो एक ही रास्ता था कि सीने पर सर रखा जाए और सीधे उसके सीने से हार्ट रेट्स को सुना जा सके। इस प्रक्रिया को दोस्तों डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन कहा जाता था। इसमें अगर मरीज बच्चा है और मर्द है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मरीज महिला भी हो सकती है। ऐसे में उसके उस समय के संस्कार और कल्चर ऐसे थे कि महिला और डॉक्टर दोनों के लिए ही ऑकवर्ड हुआ करता था। ऐसे में एक फ्रेंच डॉक्टर थे जिनका जन्म 1781 में हुआ था, नाम था रेने लेनेक। अब दोस्तों ये म्यूजिशियन के साथ साथ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे। तो इन्होंने क्या किया, जब ये किसी महिला को इस तरह से चेक किया करते थे तो ये अपनी बांसुरी का इस्तेमाल करने लगे। बांसुरी की मदद से ये महिला के सीने पर रखकर हार्ट रेट्स को सुना करते थे और फायदा इन्हें ये हुआ कि हार्ट रेट्स की जो आवाज थी वो काफी गूंज कर इनको काफी क्लियर सुनाई देती थी। जब इन्हें फायदा महसूस हुआ तो इन्होंने इसी आइडिया पर आगे चलकर काम करना शुरू किया और फाइनली जाकर 1816 में स्टेथोस्कोप बनकर तैयार हो गया। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम इन्होंने ग्रीक वर्ड के ऊपर रखा जो कि दोस्तों आज तक कायम है। अब इनकी 10 साल के बाद यानी कि 1826 में मृत्यु हो गई ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। उसके बाद इनके भांजे ने अपने इसी मामा के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट को यूज करना शुरू किया और तब से लेकर आज तक दोस्तों मेडिकल साइंस में इसका बखूबी यूज किया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि स्टेथोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल साइंस का जिस पे कोई भी शक अभी तक नहीं किया जा सकता, मतलब सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो दोस्तों आपको इतनी छोटी सी वीडियो इतने बड़े ज्ञान के साथ जानकर कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह की दोस्तों वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बस हर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ।